दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शब्द को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का कार्य शब्द द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना, और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को ध्यान। दोस्तों, ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। ईश्वर निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करता है जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है। उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके, तो निस्संदेह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए और अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए, तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्वज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। दोस्तों, जो अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी और ईश्वरपरायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है। वे ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी मन की बातें उनसे कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द दिव्य विचार तब तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ता है जब तक कषाय कलमश आत्मा में बने रहते हैं। जितनी अधिक आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतने ही ये दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है, बुरा कार्य करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है। ये दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है। किसके लिए उसका क्या भवितव्य बन रहा है और भविष्य में उसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, ये सब कुछ उसे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है, वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। बाल बुद्धि के लोगों के हाथ में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे उसे बाजीगरी की खिलवाड़ खड़ी करने में ही नष्ट कर दें। पर अधिकारी पुरुष अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर उसे अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ स्थूल है, वह है नाद प्रणव योग में हम ये बता चुके हैं कि प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों के द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है और सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता है। ये प्रारंभिक शब्द ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, वैसे ही वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता जाता है। जिस प्रकार बांसुरी के छिद्र में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र में जितनी हवा निकाली जाती है, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियों में परिणत हो जाती है और इन स्वर लहरियों को सुनना ही नादयोग है। दोस्तों, पंच तत्वों से प्रतिध्वनित हुई ओंकार की स्वर लहरियों को सुनने की नादयोग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन को सुनने में नहीं आता। दूसरे, इस नाद श्रवण से मानसिक शक्ति तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। सर्प जब संगीत सुनता है तो उसकी नाड़ियों में एक विद्युत लहर प्रवाहित हो उठती है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरना होती है जिसके कारण अनेकों गुप्त मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। इस प्रकार उसके भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में प्रगति होती है। दोस्तों, तीसरा लाभ एकाग्रता है। एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित होती हैं और इस प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की साधना सफल हो जाती है। ये सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक अध्यात्म मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। दोस्तों, मानव प्राणी के सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान शक्ति उत्पन्न करता है जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ओम की रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है जो आत्मा का अभीष्ट स्थान है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि नाद का अभ्यास वास्तव में किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों नाद योग के अभ्यास के लिए ऐसा स्थान तलाश कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाजें ना आती हों। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक होती है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि इस समय की व्यवस्था ना हो सके तो प्रातः 9 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। दोस्तों इसका नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठ जाएं। यदि आसन पर बैठे तो पीठ पीछे कोई मसन या कपड़े की गठरी आदि रख लें। ये भी ना हो सके तो अपना आसन एक कोने में लगाएं। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। भावना करें कि आपका शरीर रुई का ढेर मात्र है और आप इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप ना सहकर इधर उधर को धुलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसंद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी दो डेटे बनाकर उन्हें कानों में इस प्रकार लगा लें कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश ना कर सके। उंगलियों से कान के छेद बंद करके भी काम चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मन को ध्यान अवस्था पर ले आएं और वहां जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। दोस्तों आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई ना पड़े, पर 2-4 दिन के अभ्यास के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती जाएगी वैसे ही वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। ऐसे में पहले पहले कई प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज चटकने की सी होती है। ये 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती हैं, वे मानस तंतुओं पर टकरा कर ऐसे शब्द करती हैं मानो 3 के ऊपर मेह बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। दोस्तों ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से, साधारणतः 2-3 सप्ताह के अभ्यास से, ये सब शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है तो बांसुरी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियां सुनाई पड़ती है। ये सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं की परिचायक हैं। बहुत दिनों से बिछुड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है तो वह आनंद से विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वाले को आता है जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है। वास्तव में वह उसी तत्व के निकट से आ रही हैं जहां से कि आत्मा और परमात्मा का विलगाव हुआ है और जहां पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे ये शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यास को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विह्वल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। दोस्तों अंतिम शब्द ओम का है। ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान होती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झनझनाती रहती है उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओमकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा, तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का तुरीय अवस्था का आनंद लेने लगता है। दोस्तों उस स्थिति से ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और अंततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेती है। नाद के अतिरिक्त विचारधारा की सूक्ष्म साधना के लिए खाली मन का अभ्यास किया जाता है। इसे योग के आचार्य सूक्ष्म नाद कहते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं सूक्ष्म नाद की साधना विधि जो कुछ ऐसा है। सबसे पहले शांत चित होकर पद्मासन से बैठिए, मेरुदंड सीधा रखिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए। भावना कीजिए कि आपके चारों ओर अनंत शांति का साम्राज्य है। चारों ओर नील आकाश के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। अब अपने त्रिकुटी स्थान पर ध्यान एकत्रित कीजिए, यानी अपने दोनों भौहों के मध्य ध्यान कीजिए। कोई विचार मन में आने दीजिए, केवल शून्य शांति में शून्य अनंत शांति घोर निस्तब्धता की भावना करते रहिए। इस भावना को तोड़ने वाले भाव उत्पन्न हो तो उन्हें रोक रोक कर पुनः उसी शून्य की भावना पर मन लगाना चाहिए। दोस्तों ये खाली मन की साधना आरंभ में तो कठिन मालूम पड़ती है, पर धीरे धीरे उस पर चित जमने लगता है तब उस शून्य लोक में स्थिर एकाकी मन को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सूक्ष्म विचारधारा दिव्य लोक से बहती हुई आ रही है और उसे प्रवाहित कर रही है। ऐसे में साधक का मन अनुभव करता है कि उसके भीतर क्या संदेश आ रहे हैं और क्या दिव्य संवाद उसे सुनाई पड़ रहे हैं। ये संदेश धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और आकाशवाणी द्वारा उसे संदेश संकेत और प्रत्युत्तर होने लगते हैं। दोस्तों इस ध्यान साधना के अतिरिक्त साधक का दैनिक व्यवहारिक जीवन अधिक से अधिक पवित्र और संयमशील होना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवहारिक पवित्रता और शांति के आंतरिक शांति स्थिर नहीं रह सकती।
और अशांत अंतःकरण में देवी संदेश में धूमिल और स्फुट ही प्राप्त होते हैं। इसलिए नादयोगी अपने आचरण और विचारों को परम सात्विक रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोचक और रहस्यमय जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।